पुरावा साथे वात करवा मांगू छू। भारतीय जनता पार्टी नी सरकार मा भय मुक्त भ्रष्टाचार केवो चाले छे एने आ सिलसिलेबंद हकीकत छे। जे मानिता उद्योगपति माटे एने मालामाल करवा माटे गुजरातना अपना गुजरातीओ ऊपर भारण आवे तिजोरी नी लूंट थाय त्यारे एक जवाबदार रचनात्मक विरोध पक्ष तरीके सत्य ने बहार लावी गुजरातीओनी ऊपर कोई बिनजरूरी भारण वधे अने प्रजानी तिजोरी नी लूंट छे रोकाय ए माटे एक जवाबदार विरोध पक्ष तरीके आ मुद्दों ही उपस्थित करूं छूं। उद्योगों विरोधी नहीं हूँ, जे सरकार मां मंत्री हतो ए सरकार मां सौथी वधारे औद्योगिक रोकाण अपना गुजरात में आव्यु, महाराष्ट्र करता पण अने कागळ उपरना एमओयू नहीं रियल इन्वेस्टमेंट अने स्पर्धा करती बे कंपनीओ रिलायंस अने एसआर एक बीजानी बिजनेस नी हरीफाई करती कंपनीओ पण बन्ने ने इक्वल बेनिफिट जामनगर मां एशियानी लार्जेस्ट रिफाइनरी स्थापाड़े पंचमहाल मां जनरल मोटर्स नुं कारखानुं आव्युं परंतु एमां गुजरात ने गुजरातीओ ने फायदो थवो जोईए। उद्योगो आवे स्वागत छे, अपना गुजरातीओ ने रोजगार मळवो जोईए। खेडूत के मालधारी ना भोगे ए उद्योग ना होय एनी चिंता करीने ए उद्योगो आवे एमां अमे पण अमारी सरकारो प्रयत्नशील। आजे पण कोई उद्योग ने पाड़ी देवा के कोई ना विरोध में नहीं पण मारा गुजरात में मारा गुजरातीओ ना खिस्सा पर भारण वधे एनी लूट चाले अने कांग्रेस पक्ष आंख बंद करीने ना बेसी सके। एटला माटे आजनो आ मुद्दो आपनी समक्ष लईने हूँ आव्यो छुं। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL गुजरात सरकार नो ए GUVNL छे, एमने एक पावर परचेज एग्रीमेंट गुजरात सरकारे पावर परचेज एग्रीमेंट अदाणी पावर मुंद्रा लिमिटेड साथे करो कि तमारा पासे थी मैं पावर खरीदवाना नो करार करो, बिजली खरीद करवानो करार करो शुद्ध गुजराती में। एक करार में शरत एवी हती के जे कोलसो खरीदवामां आवे एना पर एनर्जी चार्जिस एटले के कोलसो खरीदे एना उपर सरकार एने पैसा आपे। हवे आ कोलसो खरीद्यो छे एमां पैसा आपवानुं धोरण शुं तो पीपीए मां नक्की थयुं के अदाणी पावर मुंद्रा लिमिटेड जे कोलसो खरीदे ए कोलसाना एने बिलो रजू करवाना, ए कोलसो कॉम्पिटेटिव बीड एटले के स्पर्धात्मक रीते सस्ता में सस्तो ए खरीदेलो होवो जोईए एना डॉक्यूमेंट आपवाना, पारदर्शिताना डॉक्यूमेंट आपवाना। एक वस्तु थई अने बीजी वस्तु इंटरनेशनल मार्केट में कोलसानो भाव नक्की करती एक संस्था छे जेने आर्गुस कहेवाय छे ARGUS आर्गुस। आर्गुस रोजे रोजना कोलसाना भाव इंटरनेशनल मार्केटना ए सर्किट में मूके एटले सरकारे बन्ने जोवानुं। एक अदाणीए रजू करेला बिलो पारदर्शिता कोलसो सस्तो छे लीधो छे ए जोवानुं, बीजी बाजु आर्गुसना भाव जोवाना अने बेमांथी जो अदाणीए खरीदेलो कोलसो आर्गुस करता सस्तो होय तो ए पैसाना आधारे एने पैसा मळे, अने जो अदाणीए मोंघा बिलो रजू कर्या होय अने आर्गुसनो सस्तो होय कोलसो तो आर्गुसना जे भाव छे बेंचमार्क नक्की करी दीधो के आर्गुसना भावथी वधारे तमने न मळे, पण मार्केटमां तमने सस्तो मळी गयो तो तमे जे खरेखर खरीद्यो छे ए पैसा मळे। आ एक एग्रीमेंटनी शरत 2018 थी लईने 2023 सुधी 5 वर्ष अदाणी पावर मुंद्रा लिमिटेड द्वारा
बिलो रजू ना कराया, डॉक्यूमेंट्स ना अपाया, इंटरनेशनल मार्केट में सस्तो होय छता मोंघो कोलसो नी वात करी, अने आपणे त्यां कहेवाय छे ने दला तड़वानी नी वार्ता, रींगणा लव बे चार लियो ने दस बार, बिल रजू नथी करता, आर्गुस करता ऊंचा भाव छे, कहीं ज जोया वगर 3,900 करोड़ रुपया, 3,900 करोड़ रुपया 5 वर्ष सुधी चुकवाणा कर्या। पछी हिडनबर्ग आयो रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्टे कह्युं अमे इन्क्वायरी करीशुं कमिटी, पार्लामेंटमां विरोध पक्षे कह्युं अमे जेपीसी मांगीए छीए, अधिकारीओने लाग्युं अने केटलाक लोकोए आरटीआई करी दीधी કે આર્ગુસના ભાવ શું અને અદાણીના બિલોના ભાવ શું, આની આરટીઆઈ કરી હતી। અધિકારીઓને લાગ્યું કે મુશ્કેલીમાં આવી જઈશું, કોઈ આપણને બચાવે નહીં ને જેલમાં જવું પડે, એટલે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડે મેં આપને આ ડોક્યુમેન્ટ આપ્યું છે, કાગળ લખી નાખ્યો। आना पहला पाना ना छिल्ला पेरेग्राफ में बॉटम थी त्रीजी लाइन एमा कागल में लिख्यू छे, इन द इम्प्लिमेंटेशन स्टेज ऑफ एबव इंटरिम मेकेनिज्म इट इज ऑब्जर्व दैट रेट एट विच कोल बीइंग परचेस्ड बाय अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड इज सिग्निफिकंटली हायर, तमे खूब मोंघो कोलसो बतायो छे, देन द एक्चुअल मार्केट, खरेखर मार्केट करता तमे ऊंचो भाव बतायो छे, विच कोल बीइंग ट्रेडेड इन इंडोनेशिया, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सीकिंग डॉक्यूमेंट्स इनवॉइसिस रिपोर्ट्स विथ रिगार्ड टू रेफरेंस बीइंग टेकन बाय अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ कोल थ्रू स्पॉट मार्केट इंक्वायरी विच रिफ्लेक्ट्स कोल प्रोक्योरमेंट इन ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव मेनर। अमे मांगीए छे तमने वारंवार के बिल आपो, तमे डॉक्यूमेंट आपो, तमे रिपोर्ट आपो के तमे स्पर्धात्मक लीधा छे के नहीं। हावेवर आम छता अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड हेज बीन कंटीन्युअसली प्रोक्योरिंग कोल एट प्रीमियम प्राइस फ्रॉम फ्यू सिलेक्टेड स्पॉट सप्लायर्स which is not reflecting the actual market value of Indonesian coal from time to time and not submitting the supporting documents. તમે ઊંચા ભાવે ચોક્કસ માણસના આધાર બતાવો છો પણ બિલ આપતા નથી, ડોક્યુમેન્ટ આપતા નથી ને આ ખરીદી ચાલુ રાખો છો। આ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ 5 વર્ષ પછી પેલી ઇન્ક્વાયરી આવવાની થઈ ને એટલે આ કાગળ લખ્યો। આગળ એની પછી એક પેરેગ્રાફ છોડીને આપ આવી જાઓ ત્રીજો પેરેગ્રાફ, ઇટ ઇઝ ટુ મેન્શન દેટ એનર્જી ચાર્જિસ પેઇડ એડમિસેબલી બાય જીયુએનએલ ફોર ધ પીરિયડ ફ્રોમ 15th ઓક્ટોબર 2018 ટુ 31st માર્ચ 2023, 5 વર્ષ સુધી, 15 ઓક્ટોબર 2018 થી 31 માર્ચ 2023 સુધી તમને 13,802 કરોડ ચૂકવી દીધા, 13,802 કરોડ। આમાં આગળ એ કહે છે કે પણ જો અમે આર્ગુસના ભાવ મુજબ આપવાના થાય છે અને આર્ગુસનો ભાવ ધ્યાનમાં લઈએ, ઉપરથી આજે પેરેગ્રાફ હું વાંચતો હતો એમાં પાંચમી લીટી કે આર્ગુસના ભાવ ધ્યાને લેવા તમને મળવા પાત્ર શું છે, માત્ર 9,902 કરોડ તમને મળવા પાત્ર છે, 9,902 કરોડ, ક્યાં 13,802 કરોડ અને ક્યાં 9,902 કરોડ, 3,900 કરોડ રૂપિયા વધારે લઈ લીધા, 5 વર્ષ સુધી લીધા। પછી આગળ એ કહે છે કે હવે આ જે છે 3,900 કરોડ, અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આ તમને વધારે ચૂકવાઈ ગયા છે એટલે અમને પાછા આપી દેજો। આવું આવું ક્યાંય તમે સાંભળ્યું?
एक नानो कॉन्ट्रेक्टर के एक नानो काम करते हो ने एनी आटली चूक थाय तो ये ब्लेकलिस्ट थाय एनी सिक्योरिटी डिपोजिट जप्त थाय अहींया 3,900 करोड़ रुपया दला तरवाड़ी वार्ता जे माफी दीदा अने हवे विनंती करे छे के 3,900 करोड़ रुपया तमने वधारे आप्या छे। सो वी आर रिक्वेस्टिंग यू, भाषा पण ए छे कि अमे विनंती करीए छीए कि आ पैसा तमे अमने पाछा। आखा पत्र में क्यांय पण 3,900 करोड़ वधारे आप्या एनुं व्याज आखा पत्र में क्यांय नथी, इंटरेस्ट माटेनो सहज पण इंटरेस्ट नथी। सवाल ए थाय कि आ GUVNL एटले गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड छे के गौतम विकास ऊर्जा निगम लिमिटेड छे, GOG आपणे कहीए छीए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, तो आ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात छे के गवर्नमेंट ऑफ गौतम छे, केम आवुं चाले? एक जवाबदार रचनात्मक विरोध पक्ष तरीके अमने व्यथा छे, गुजरातीओनी चिंता छे, आ पैसा कोना ऊपर जाय? हुं ने तमे तमाम गुजरातीओ जे वीजळी वापरीए छे ने, आ 3,900 करोड़ बीजा कोईना नहीं, आपणा गुजरातीओना माथे वीजळी मोंघी थाय एमांथी आ 3,900 करोड़ वसूल थाय अने ए अदाणी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने मळे, अपने अपना खबे आवे छे। त्यारे कांग्रेस पक्ष तरीके केटलाक सवालो अमे पूछवा मांगे छे आ सरकार ने, कोई IAS अधिकारी ने, कारण के हूँ पण मिनिस्टर रह्यो छु मने खबर छे, कोई पण IAS अधिकारी नी ताकात नथी के 5 वर्ष सुधी एग्रीमेंट नी जोगवाई वगर कोई बिल न आपे तो पण आर्गुस ना भाव ओछा होय एम छता 13,802 करोड़ रुपया चूकवे ए शक्य नथी। शिवाय के प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के कि आने आपी दियो। मारे ए जाणवुं छे कि 5 वर्ष सुधी 3,900 करोड़ रुपया वधारे चूकवाया एक कोना कहेवाथी चूकवाया एनो सरकार जवाब आपे। मारो बीजो सवाल छे कि जे रीतना 3,900 करोड़ गया छे ए मनी लॉन्ड्रिंग नी व्याख्या में आवे, सक्रिय कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो शुं अहींया ED आवशे, CBI आवशे, SEBI इन्क्वायरी करशे? अने जो ना तो एना कारणों सरकार जणावे ए मारी मांगणी। 3,900 करोड़ नु व्याज क्यांय उल्लेख नथी, तो ए व्याज नु शुं? अने जो तमे 5 वर्ष सुधी एग्रीमेंट नी जोगवाई नु वायोलेशन करीने पैसा 13,802 करोड़ रुपया चूकवा, तो एनी जवाबदारी कोने फिक्स करी? सरकार जवाब आपे। आ पत्र मे 2023 मां लखायो જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેટર આવી, જ્યારે પાર્લામેન્ટમાં JPCની માંગણી ઉઠી, જ્યારે પાર્લામેન્ટમાં સૂત્રોચ્ચાર થવા માંડ્યા કે મોદી અદાણી ભાઈ ભાઈ દેશ બેચ કે ખાઈ મલાઈ, આવું પાર્લામેન્ટમાં સૂત્રોચ્ચાર થતા હતા, SEBI ઇન્કવાયરી શરૂ થઈ, ત્યાં સુધી આ પત્ર કેમ ન લખાયો? મે મહિનાથી ઓગસ્ટમાં છીએ, તો આ 3,900 કરોડમાંથી કેટલા રૂપિયા વસૂલ કર્યા આ પણ સરકાર પાસેથી અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે સરકાર આનો જવાબ આપે। આ અમારા સવાલો છે।